तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे कि व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है, तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है बीटा इजकल टू डी लेमडा अपॉन डी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है ना, निकालने का एक सूत्र होता है, इसमें से आपको कुछ मान दे दिया जाएगा और आपको व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि न्यूनतम अस्थायी नाभिक कौन सा है। न्यूनतम अस्थायी है ना, मिनिमम अस्थायी न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया अनस्टेबल का, तो यहाँ पे आपको HE कार्बन ऑक्सीजन और फेरस दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको फेरस, दो का ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूनतम अस्थायी नाभिक का उदाहरण है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है। तो देखो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, उसकी अगर नली की लंबाई को अगर बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता, ठीक है, मैग्निशन पावर जो होती है यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, वो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती है, फिर शून्य हो जाती है। तो ये आपको इसमें घटती है, जब नली की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो ये घटती है, मतलब ये लंबाई का जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवर्धन क्षमता, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर यांत्रिक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो एक तरह का अनुप्रस्थ प्रवृत्ति होती है, अनुप्रस्थ तरंग की प्रवृत्ति है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गामा किरणें किरण जो समान होते हैं वो किस किरण के, गामा रेज आप लोग जानते होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, कैथोड रेज, एनोड, बहुत सारे रेज होते हैं, तो गामा किरण जो है समान, समान का मतलब यहाँ पे उसके क्वालिटीज या गुण जो गामा किरण की होती है वही गुण किस किरण का यहाँ पे होती है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो गामा किरण का क्वालिटी होती वही आपको एक्स किरण का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, एक्स किरण, मतलब गामा बराबर एक्स रेज है ना, तो ये याद रखिएगा आप लोगों को, गामा किरण बराबर एक्स रेज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आवेश की जो बीमा होती है वो क्या होती है, आवेश की बीमा, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश की जो बीमा होती है छः का वो आपको 80 होता है, क्या होता है 80 है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वोल्ट बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं एक वोल्ट बराबर एक जूल पर कूलम, क्या होता है एक जूल पर कूलम है ना, एक जूल पर कूलम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जूल बटा एक कूलम है ना, कूलम, तो ये जूल पर कूलम भी हम बोल सकते हैं, एक जूल कूलम माइनस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल पर कूलम, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आठ नंबर है आपका कि एक गर्म तार अमीटर जो मापता है वो किस चीज़ को मापता है, तो एक गर्म तार जो होती है वो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान का, इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो होती है IRMS वैल्यू, मूल माध्य वर्गमान IRMS वैल्यू, वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है एक गर्म तार अमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या जो घटती है वो कितने होती है, किसी नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे घटती है, डिक्रीज होती है, उसकी संख्या बतानी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो करेक्ट। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 नंबर पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बन अकेडमी आप सभी के लेकर आया है स्पेशल प्राइस ऑफर ऑफ द वीक, जो वैलिड है आपका 18 से 24 सितंबर के बीच में। अगर आप भी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी स्टेट बोर्ड के छात्र हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे स्पेशल प्राइस लेकर आया हुआ है, प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर आप 9th मंथ से या फिर 12th मंथ के लेते हैं तो आपको 5% और साथ में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप ये कोड यूज करते हैं, कोड स्टार्क है ना, ये कोड आप लोग को यूज करना स्टार्क, ताकि आपको यहाँ पे ये सारे बेनिफिशियल डिस्काउंट जो है आगे एडिशनल डिस्काउंट ये देखने को मिलेंगे। तो हरी अप हर बाय नाउ लिमिटेड टाइम जो 18 से 24 सितंबर के बीच में, जल्दी से परचेज करो, सारे सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे घटती है, डिक्रीज होती है, उसकी संख्या बतानी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो करेक्ट। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 नंबर पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर नमन कोण का मान, देखो है ना, नमन कोण का मान यहाँ पे पूछा जाता है बच्चा, क्या होती है ना। देखो ये मान लो उत्तरी ध्रुव से होती है विषुवत रेखा की ओर, मान लो कि ये विषुवत रेखा और ये उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव से या फिर दक्षिण ध्रुव से अगर मान लो ये वो जो है इक्वेटर है, अगर ओ की ओर बढ़े, मतलब उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव से अगर हम लोग विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो उसका जो नमन कोण होता है वो क्या होती है, बढ़ते जाता है, इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे इसका मान 0 डिग्री होती है ना कहने के लिए, और ये विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर जो है यहाँ पे
महत्तम रहता है, क्या रहता है, महत्तम रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर है कि पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक होता है। तो पी टाइप के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक होते हैं, बहुत संख्या में पाए जाने वाले, वो छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थायी अवस्था में विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किस पर बल नहीं लगता। अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस पर बल जो नहीं लगता, धारा लूप, विद्युतीय द्विध्रुव या फिर चुंबकीय द्विध्रुव या फिर धारावाही चालक, तो ये हो जाएगा आपको विद्युतीय द्विध्रुव, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है आपका कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनमें से कौन अधिक बल अनुभव करता है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो इनमें से कौन जो है अधिक बल अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर दोनों पर समान बल या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपको दोनों पर समान बल लगते हैं ना, कौन से अधिक बल अनुभव करता है, तो कोई भी नहीं, दोनों पर समान बल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 नंबर। कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम होती है, और धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 90 डिग्री के पाई बाय 2 के बराबर, मतलब 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया 15 नंबर आपको कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस पर उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग, तो साइक्लोट्रॉन का जो यूज किया जाता है वो उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन किस पे, अल्फा कण, बीटा कण या फिर न्यूट्रॉन या फिर परमाणु। तो ये होता है आपको अल्फा कण पे, किस पे, अल्फा कण, याद रखिएगा। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है। तो बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी, किसकी विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है। तो वो होते हैं आपको लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर अणुचुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा, इनमें सारे का जो विद्युतशीलता होती है वो ऋणात्मक और बहुत अधिक नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 16 का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठोस, गैस, द्रव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं हम लोग, इसमें कौन सा नहीं है, ठोस और द्रव को बोल सकते हैं, लेकिन गैसीय पदार्थ जो होती है वो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 18 नंबर हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें भंवर धारा का उपयोग नहीं होता है। तो विद्युतीय ब्रेक, प्रेरण भट्टी, ट्रांसफार्मर या फिर डेड वेट गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी, ट्रांसफार्मर, किसमें भंवर धारा का उपयोग नहीं होती है, तो ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट है आपका कि कुंडली का प्रेरित धारा क्या है। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है किस पे। लपेटों की संख्या, कुंडली का प्रतिरोध या फिर फ्लक्स में परिवर्तन की दर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है वो होता है आपका कुंडली का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडली का प्रतिरोध। नेक्स्ट है 20 नंबर के, दो कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक L है उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों बहुत दूरी से पृथक होते हैं तो संयोजन का स्वप्रेरण क्या होगा। बोल दिया कि ये दोनों अलग होते हैं बहुत दूरी से, तो संयोजन का जो स्वप्रेरण होगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, वो L के ही बराबर हो जाएगी। किसके, L के ही जो गुणांक होगी वही इसका संयोजन का स्वप्रेरण भी हो जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो निर्भर डिपेंड नहीं करता है वो होती है आपको प्रत्यावर्ती की आवृत्ति पर, किसमें, प्रत्यावर्ती आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन समतल तरंगार्ग उत्पन्न करता है। तो कौन ऐसा चीज़ है जो समतल तरंगार्ग उत्पन्न करती है, बिंदु स्रोत या फिर फैला हुआ स्रोत या फिर एक वर्णी स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाती है बच्चा, यहाँ पे ये सारे जो स्रोत हैं वो समतल तरंगार्ग उत्पन्न नहीं करता है ना, क्या करता है बच्चा, उत्पन्न नहीं करता है, बिंदु स्रोत, फैला हुआ स्रोत
एक वर्धित होती है, ये समतल तरंगार उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर या फिर आवृत्ति पर या फिर रंग पर, तो ये निर्भर करता है इनमें से किसी पे भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इनमें से तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, रंग पर, इसमें से कोई नहीं हो जाएगी आंसर। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता है, तो आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 2F फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी अवतल लेंस, जो आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने किया है टोटल 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन मॉडल सेट के। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब आप सभी को पता ही है कि 70 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको 35 का ही जवाब देना रहता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अगले मॉडल सेट से आपको 35-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए, ताकि आप आसानी से इसको याद कर सके और आप अपने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियोज़ में, और आप सभी को बताया ही है वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पर हम लोग बताते हैं आप सभी को, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए वहाँ पर उपलब्ध है मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।